ऋषिकेश में बीजेपी महिला मोर्चा की दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक में लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर एजेंडे की रणनीतियों पर विचार विमर्श और मंथन किया गया। मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष समेत विधायक और सांसद भी बैठक में शामिल हुए। ऋषिकेश में बीजेपी महिला मोर्चा की दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा टिकट बुकिंग के पहले चरण में 30 अप्रैल तक के लिए टिकट बुकिंग फुल हो चुकी है। अब तक केदारनाथ हेली सेवा के लिए 6000 टिकट बुक हो चुके हैं और 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने के काम का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों ने कहा यात्रा शुरू होने से पहले बर्फ हटाने का काम हो जाएगा पूरा। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। बागेश्वर के सिरकोट गांव में गुलदार के 3 शावक मिलने से दहशत में आए ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। वन विभाग के बैजनाथ रेंज के रेंजर ने बताया कि 2 शावकों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल 1 शावक उसी जगह पर है। उत्तरकाशी में लोगों को जाम के जाम से निजात दिलाने के लिए 5,25,00,000 की लागत से पार्किंग के निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। बस अड्डे के बन जाने से यात्रा के दौरान लगने वाले जाम से भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बागेश्वर में कोविड सैंपल सेंटर में लटका ताला, मगर सीएमओ डीपी जोशी कोविड सैंपलिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सेंटर में लटके ताले के बीच कैसे सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी, ये खुद में एक सवाल है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच खटीमा में उप जिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान कोरोना मरीजों को अस्पताल में चेकअप से लेकर भर्ती करने और इलाज दिए जाने संबंधी सभी परिस्थितियों की मॉक ड्रिल के दौरान जानकारी दी गई। खटीमा में हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में योगी सेना के कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने उप जिला अधिकारी खटीमा को ज्ञापन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे धर्मांतरण को रोकने की मांग की। जसपुर में अस्पताल में भर्ती महिला के इलाज के दौरान मौत। 1 महीने पहले महिला के पति ने पत्नी का प्लानिंग के तहत एक्सीडेंट कराया था, जिसके बाद पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने जांच कर आरोपी पति को जेल भेज दिया था।